उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के आशा कर्मचारियों ने कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की और अपनी मांगे रखी। गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शाहजहांपुर आए थे और इस दौरान इन आशा कर्मचारियों ने उनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनके साथ मारपीट की जिसमें कई आशा कर्मचारी काफ़ी जख्मी हो गई, एक का हाथ भी टूट गया और इन सब बातों को लेकर इन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। गौरतलब है कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यूपी में अगर उनकी सरकार बनी तो आंगनबाड़ी और आशा कर्मचारियों का मानदेय 10,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये प्रतिनिधिमंडल प्रियंका गांधी से मिला। हालांकि उनका ये कहना था कि वो चाहती हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सजा मिले। अब आप भी सुनिए इन आशा कर्मियों और प्रियंका गांधी के बीच क्या वार्तालाप हुई। देश देख रहा है, लात तो झूठों से जैसे मारा है, मतलब बुरी तरीके से मारा। उसके बाद जब बस में ले गए हैं मुझे खींच के, तो बस में वहाँ पे जो SI नीरज है, उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ के मतलब फोन लिया है, तो मेरा हाथ ही फ्रैक्चर हो गया है। ये बस में हुआ? जी, बस में हुआ। और वहाँ पे कितने थे पुलिस महिला? ये पुरुष ने किया? ये पुरुष ने किया। महिला पुरुष कितने थे? और ज्योति जो त्यागी जी हैं, उन्होंने मेरे सीने पे बैठ के, ये मेरा दुपट्टे से गला कसा था कि तू मर भी जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरी डेड बॉडी को फुटवा दूंगी। ये पूरा निशान पड़े हुए हैं। हो रही है, देखो पहले अभी तक इतनी जोर मार रहा है।